YouTube ने भी मेरा उम्मीद तोड़ दिया। दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि मैं इस चैनल पर ग्रो कर पाऊँगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, ये जो मेरा टेक्निकल एसी चैनल है, इस चैनल को मैंने क्रिएट किया 23 दिसंबर 2021। उस दिन से लेकर और आज तक मैंने एक भी दिन गैप नहीं किया अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, जिस दिन मैं चैनल क्रिएट किया उसी दिन से मैं आज तक रेगुलर इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन रिस्पॉन्स क्या मिला भाई? देखो, यहाँ पर बड़े से बड़े यूट्यूबर बोलते हैं कि भाई आप डेली वीडियो डालो, रेगुलर वर्क करो, आपका चैनल जल्द ही ग्रो हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने चैनल पर भाई कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, जो कि मैं करीबन अपने चैनल पर 350 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। 300 क्या दोस्तों, अब 400 भी होने वाला है, कुछ ही वीडियो बाकी है 400 कंप्लीट होने में। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, इतना मेहनत करने के बाद फिर भी किसी ने ना सपोर्ट किया, और मैं क्या बताऊँ भाई, YouTube ने भी मेरा जो उम्मीद था, जो सपना था, वो भी तोड़ दिया, पूरा भी नहीं हो सका। और यहाँ पर बात करूँ दोस्तों, इतना वीडियो डालने के बाद भी और चैनल मोनिटाइज करने के बाद भी, यहाँ पर जो मेरा एक फर्स्ट पेमेंट आया था, सिर्फ ओनली फर्स्ट पेमेंट, जिस पेमेंट में मैंने गरीब बच्चे को पेंसिल और कलम और कटर उनको दिए थे, जो कि ओनली गरीब फैमिली से, जिनके पास में ना कॉपी है, नहीं पेंसिल का दिक्कत है, पेन का दिक्कत है, उनको मैंने दिया। सोचा कि भाई ऐसे मैं पहले से ही सोचा था कि जब मेरा फर्स्ट पेमेंट आएगा तो उनको मैं गरीब बच्चे में या गरीब फैमिली को दूंगा। तो जब मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था तो गरीब को बच्चे को चुन कर, जिनके पास में कलम का प्रॉब्लम है, जिनके पास में पेंसिल का भी पैसा नहीं है किनने का, तो उनको मैंने दिया दोस्तों। और उस दिन से मैं सोचा कि भाई चलो भाई, इतना तो आशा हो चुका है कि जब मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि भाई अब जितने सपोर्ट मिलता जाएगा मेरे प्यारे दोस्त भाई से, और आगे भी इस तरीके का, मैं जो भी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास में कुछ प्रॉब्लम है, उनको मैं हेल्प करूंगा अपने तरफ से। लेकिन खुद मुझे ही सपोर्ट नहीं मिला दोस्तों, इतना मेहनत करने के बावजूद। तो मैं इस वीडियो को इसलिए बनाया दोस्तों, यहाँ पर जो क्रिएटर बताते हैं कि अगर आप अपने चैनल पर डेली वर्क कीजिएगा, डेली वीडियो अपलोड कीजिएगा, तो चैनल ग्रो हो जाएगा। तो हाँ, बिल्कुल ये सही बात बताते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं डेली वीडियो डालते गया, फिर भी मुझे, और जो मेरा एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ, तो वायरल नहीं हुआ तो फिर भी मैं हार नहीं माना दोस्तों। फिर भी वीडियो, आज तक भी मैं वीडियो डालता हूँ, अभी भी मैं वीडियो डालता हूँ, ना कि मैं अपने चैनल पर एक्टिव नहीं रहते हैं, अभी भी मैं अपने चैनल पर एक्टिव रहता हूँ और डेली वीडियो भी डालता हूँ। क्योंकि मुझे पता था कि भाई अगर मैं डेली वीडियो डालते गया तो कोई तो ऐसा वीडियो होगा जो वायरल होगा, लेकिन वायरल नहीं हुआ दोस्तों। तो मेरा जो उम्मीद है आप लोग से जुड़ा हुआ है, जब तक आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तब तक मेरा उम्मीद बना रहेगा, और मैं आप लोग के लिए डेली वीडियो डालूंगा भाई। और ऐसा बात नहीं है कि मैं अपने चैनल पर कुछ भी वीडियो डाल देता हूँ भाई, मैं ऐसा वीडियो ले आता हूँ जिससे आप लोग को हेल्प मिले, आप लोग को सपोर्ट मिले भाई। मान लीजिए जो ये टेक्निकल एसी चैनल है, इस चैनल पर जेन्युइन तरीके से मैंने सब्सक्राइबर गेन किया और वॉच टाइम गेन किया, और आज मेरा चैनल मोनिटाइज के बावजूद मैं अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, और यूट्यूब से मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी नए क्रिएटर आते हैं, जब एक चीज़ सोच कर आता है, कोई सपना सोच कर आता है कि भाई हाँ यूट्यूब से हम भी कुछ करेंगे, और मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे और सोचा कि भाई जो मैं जब मेरा पढ़ाई क्लियर हो चुका, 12th क्लास क्लियर हो चुका, तो मैंने सोचा कि भाई आगे तो पैसा भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो बताते हैं जिन वीडियो में बताया जाता है कि आप चैनल क्रिएट कीजिए और यूट्यूब चैनल से आप मंथली का लाखों कमा सकते हैं।
तो मैंने भी सोचा कि भाई जो मेरा घर का दिक्कत है, प्रॉब्लम है, मैं यूट्यूब पर अपना करियर बनाकर प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, घर का जो प्रॉब्लम है उनको दूर करूँगा। लेकिन बट ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, इतना वीडियो डालने के बावजूद भी चैनल ग्रो नहीं हुआ और यहाँ पर ना किसी ने सपोर्ट किया अभी तक। तो मैं करूँ तो क्या करूँ, आप लोग भी बताइए। इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर अब जो ये जो आप सेटअप देख रहे हैं, देखो भाई इससे भी पहले मेरे पास एक अच्छा सेटअप था, एक बढ़िया सेटअप था। उस सेटअप किसी और के था, मैंने किसी और के घर पे, जो घर के बाजू में होते हैं, मेरे गांव में एक अच्छा घर था, उसमें मैंने सेटअप बनवाए थे ताकि जब मैं अच्छा क्वालिटी कंटेंट दूंगा, अच्छा वीडियो बनाऊंगा तो मुझे ऑडियंस सपोर्ट करेगा। यहाँ पर क्वालिटी डिपेंड करता है। तो मैंने उसके घर पे सेटअप रेडी करे और रेगुलर वीडियो भी डाले, फिर भी उस पर रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो घर वाले जो मेरा फैमिली है बहुत सारे बातें बोले कि तू यूट्यूब पर ग्रो नहीं हो सकता है, तू सक्सेस नहीं हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे फ्रेंड बोला कि तू कभी भी यूट्यूब पर सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ऐसे बोला। फिर भी मैं मतलब उतना भी उन लोगों का बात मतलब दिमाग पर नहीं लेते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जिस टाइम पर जिसके घर पे मैंने सेटअप बनाया था उससे झगड़ा हो चुका। झगड़ा हो जाने के बाद वो बोला कि तू बिना सेटअप पर वीडियो नहीं बना सकता है, तो अपना सेटअप तैयार कर ले। तो घर पे भी मम्मी पापा बहुत बोला। उसके बाद मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे बाहर चला जाना चाहिए। तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया हूँ, सारे प्रॉब्लम बता दिया हूँ कि बाहर मैं किस लिए आया हूँ। क्योंकि भाई कोई भी यूट्यूब पर आता है तो दो पैसा कमाने के लिए आता है, या शौक से भी बहुत सारे ऐसे जो यूट्यूबर होते हैं जो शौक से आता है कि भाई मैं यूट्यूब पर काम करूँगा। लेकिन मैं पार्ट टाइम समझ के यूट्यूब पर नहीं काम किया, ओनली मैं यूट्यूब करता रह गया कि मैं यूट्यूब पर करूँगा तो मुझे कामयाबी ज़रूर मिलेगा एक न एक दिन, ऐसा मैं सोचकर एक भी दिन गैप नहीं किया हूँ। दोस्तों आप जाकर मेरा वीडियो देखिए, 1 ईयर्स भी नहीं होने वाला है, फिर भी मैं डेली वीडियो डालता गया। और आप लोग समझ सकते हैं इतना मेहनत करने के बावजूद भी मुझे अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बस प्लीज़ दोस्तों, आप लोग, मेरा उम्मीद है आप ही लोग से उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा अपने छोटे भाई समझ के। क्योंकि भाई मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम में हूँ, क्योंकि घर से आ जाने के बाद, यहाँ पर बाहर में आ जाने के बाद कितना दिक्कत होता है आप लोग को ज़रूर पता होंगे। क्योंकि यहाँ पर आ जाने के बाद किराया देना पड़ता है रूम का, और यहाँ पर भाई जब तक मेरे पास में एक छोटा काम भी मिल चुका है, वो काम भी कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं डेली अपने चैनल पर उतना वीडियो भी नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर काम भी मिल चुका है। और ये जो आप सेटअप देख रहे हैं, मेरा रूम का ही सेटअप है। यहाँ पर मैंने एक रिंग लाइट भी लिया हूँ, जो कि आप लोग को अनबॉक्सिंग करके भी बताया हूँ दोस्तों। और ये जो है ब्लैंकेट है, जो मैं यहाँ पर सोते समय में इनको अपने फेस पर रखते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इतना भी स्ट्रगलिंग करने के बाद भी मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप लोग को प्यार जितना मिलता है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन आशा करता हूँ भाई आप लोग इससे भी और अच्छे प्यार दीजिए एंड सपोर्ट दीजिए। भाई आप लोग मेरा वीडियो को देखा कीजिए। देखो भाई मेरे चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर है, 3000 सब्सक्राइबर भाई, 3000 सब्सक्राइबर में भाई अगर मेरे चैनल पर 500 डेली का वीडियो पर रिस्पॉन्स मिल जाता तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है भाई। और यहाँ पर भाई एक बात आ जाता है भाई, देखो हम कभी कभी सोचते हैं कि भाई इतना स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ क्यों ना मैं यूट्यूब छोड़ दूँ, ऐसे मैं कभी कभी सोचता हूँ। लेकिन भाई यूट्यूब पर जब इतना टाइम दे दिया हूँ तो भाई मैं यूट्यूब किस लिए छोड़ूँ भाई, बाकी आप लोग हैं, समझते हो भाई। अगर आप भी एक क्रिएटर है भाई तो आप लोग भी ये चीज़ समझते हैं। तो बिल्कुल आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए भाई। और यहाँ पर मैं एक गुरु का फॉलो करता हूँ, जो गुरु काफ़ी अच्छे हैं, और उन गुरु का हर एक मैं वीडियो भी देखता हूँ। बस उस गुरु से भी अभी उम्मीद है कि वो गुरु भी मुझे जल्दी सपोर्ट करेगी, और आशा भी करता हूँ उस गुरु से। यहाँ पर गुरु का नाम तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जब वो गुरु ये मेरा वीडियो देखेगा
उनको मेरे तरफ से तहे से दिल से थैंक यू बोलते हैं कि गुरुजी ने खुद बोला था मुझे सपोर्ट करने के लिए, और बाकी आप लोग एक उम्मीद है और एक जो है मेरा गुरु, दोनों से उम्मीद है। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा अपने छोटे भाई समझ के। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वाले को। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।